जिला एवं खाद्य आपूर्ति अधिकारी कर्मचारी संघ व अन्य कर्मचारी संगठनों ने झाब व एसडीएम डॉक्टर अभय सिंह खराड़ी पर गंभीर आरोप लगाया है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप को लेकर कलेक्टर कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और एसडीएम को हटाने के संबंध में कलेक्टर प्रबल सिपाह को ज्ञापन सौंपा। संघ का आरोप है कि झाबुआ एसडीएम अभय सिंह खराड़ी फील्ड के दौरान कर्मचारियों को अपने पद की ध्वज देकर प्रताड़ित कर रहे हैं। एसडीएम खराड़ी पर संघ ने अनैतिक व नियम के विरुद्ध कार्रवाई की धमकी देकर अवैध वसूली की भी संगीन आरोप लगाए हैं। एसडीएम खराड़ी पर यह भी आरोप है कि वे कर्मचारियों के साथ व्यापारियों पर भी अधिकार के क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करते हैं। यह नहीं, बैठक के नाम पर कर्मचारियों को एसडीएम खराड़ी द्वारा आतंकित किया जा रहा है। संघ ने एसडीएम खराड़ी को पद से हटाए जाने की पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। झाबुआ से मुकेश परमार की रिपोर्ट। हटाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। झाबुआ से मुकेश परमार की रिपोर्ट। एसडीएम झाबुआ द्वारा मनमाने तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कर्मचारियों को भयभीत किया जा रहा है। उनके रिकॉर्ड उठा के असमय ले आते हैं और फिर इनके लिपिक पंकज सिंगाड़े के मार्फत पैसों की मांग की जाती है। और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिवस रामा झाबा और राणापुर ब्लॉक के सभी विक्रेताओं को इनके बंगले पे बुलाया और 2,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ महिला बाल विकास विभाग के हमारे सुपरवाइज़र भी कार्यक्रम में वो भी आ रहे हैं। उनके विभाग में भी इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो मिलावट का अभियान चल रहा है उसमें प्रशासन मुस्तैद रूप से काम कर रहा है कि इनके द्वारा अवैधानिक रूप से व्यापारियों के साथ उनके सैंपल सामग्री को कहीं भी नाली में फेंक देते हैं, जबकि नियमानुसार प्रक्रिया होती है उसकी। फूड एंड सेफ्टी अधिकारी उसके सैंपल लेते हैं, बाकायदा उनको एक प्राप्ति देते हैं। और काली देवी पिटोल में इनने बहुत सारे अपने स्तर से सैंपल लिए और कहाँ है वो सैंपल पता नहीं। इस तरह से व्यापारियों में भी एक असंतोष होता है जिला प्रशासन की ओर से और हमारे खाद्य विभाग पर भी एक प्रश्न चिन्ह होता है। इस आक्रोश को लेते हुए हमने करा दूसरा पंचायत सचिव मोर्ड इंडिया उनके वहाँ भी जाँच करी, सारे रजिस्टर उठा के ले आए ये वहाँ से और राणापुर तक बिठा के लाए उसको पंचायत सेक्रेटरी को और उससे पैसे की मांग कर रहे हैं। अगर जांच करना है कार्रवाई करना तो कार्रवाई के लिए सक्षम है आप, फिर इस तरह से दोष देके सारे कर्मचारियों में जो छोटे कर्मचारी विशेषकर। और दूसरा अभी ये बैठकों का ऐसे सिलसिला लेते हैं कि आज जैसे 1 बजे अभी बैठक है महिला बाल विकास की, रात के 9 बजे हम व्हाट्सअप मिला, हम 200-300 लोगों को कैसे सूचना देंगे, सेल्समैन सहायक को कैसे सूचना देंगे, वन विभाग के अध्यक्ष और समिति सचिव को कैसे सूचना देंगे। उनकी बैठक यहाँ ब्लॉक में 100 से लगभग सीट है किंतु 200 लोगों को कैसे बैठा, खड़े रह के बैठक अटेंड। पिछली बार हमने बैठक करी पिछले महीने इनने ली बैठक तो वो नियम, चलो ठीक है पहले बार एसडीएम थे चलो ठीक है, अब दूसरी बार ऐसे बिना पूछे अधिकारियों को ऐसी बैठक लेते हैं। डायरेक्ट हमारे छोटे कर्मचारी इतने शिक्षित नहीं होते, बेचारे जिस पद पर रहते हैं वहाँ निर्वहन कैसे करते वो उनकी एक परिस्थिति है। इसके बावजूद इनके द्वारा मैं जेल भेज दूंगा तुमको, मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, इस तरह से अनुभाग और ब्लॉक में गतिविधियाँ करते हैं। और इसी तरह अवैध गतिविधियों के नाम से ये वाहन चालकों से जो हाईवे पे है रात में सुबह जल्दी 7-6 बजे आबकारी सब विभागों जो भी है उन ड्राइवरों मामूली क्लीनरों को धमकाते हैं तुम्हारे यहाँ काम माल ले जा रहे हैं, इवन मंडी के पंजीकृत व्यापारियों की माल की छानबीन कर रहे हैं और विभाग को कोई सूचना भी नहीं और प्रशासन को गुमराह करते हुए ऐसी दुष्कृत कर रहे हैं, ऐसे एसडीएम को यहाँ से तत्काल हटाया जाए।